हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो मैं आ गई हूं एक और व्लॉग के साथ, और ये जो व्लॉग है ये मेरे पिछले वाले व्लॉग को मैं इसमें कंटिन्यू करने वाली हूं, क्योंकि इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आपको मैक शॉपिंग एक व्लॉग दिखाया था, पर उसमें मैंने स्टोर पे क्या कलेक्शन आए हुए थे, हम लोगों ने वहाँ पे क्या परचेज किया, क्या क्या देखा, वो सारे उस व्लॉग में है। तो नए जो भी व्यूवर्स है, प्लीज़ वो अगर आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि अभी मैक्स में क्या कलेक्शन आए हुए हैं, तो वो वीडियो से आपको बहुत अच्छा एक अंदाज़ा मिल सकता है कि हाँ अभी वहाँ पर क्या कलेक्शन है। पर इस व्लॉग में मैंने क्या क्या परचेज किया, शॉपिंग किया, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें परचेज की। तो चलिए अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे। और बढ़ने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को जब भी देखें लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब चलते हैं ड्रेस देखने के लिए। तो कुछ इतने सारे ड्रेसेस हैं जो मैंने मैक से परचेस किए हैं, और इतनी सारी ड्रेस दिखाने में मेरी वो इससे पहले वाली वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने ये एक न्यू ड्रेस का एक अलग सा वीडियो ही बनाया। तो चलिए अब मैं इसको ओपन करके वन बाय वन आपको दिखाती हूँ कि ये सारी ड्रेस कैसी है, और आपको ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताना है कि ये सारी ड्रेसेस आपको कैसे लगे। तो चलिए अब इसे ओपन करके देखते हैं कि ये देखने में कैसे हैं। जो आज का जो फर्स्ट ड्रेस जो मैं आपको दिखलाने वाली हूँ वो ये लॉन्ग ड्रेस है। ये आप देखिए कितना सुंदर सा इसका कलर और फैब्रिक है। ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है, और ये जस्ट आपको 1899 का मिल जाता है, और इसका स्ट्रिप्स लेफ्ट दिया हुआ है, और बैक में इस तरह रबर दिया हुआ, और ये फुल लॉन्ग ड्रेस है। पर मुझे इसके नीचे की ये जो घेर है ये और इसका फैब्रिक बहुत सुंदर लगा, और कलर भी, जिसके कारण मैंने इसे परचेज किया। तो चलिए अब चलते हैं अपना सेकेंड ड्रेस देखने के लिए। मेरा सेकंड ड्रेस भी लॉन्ग ड्रेस ही है। ये देखिए इतना सुंदर सा इसका कलर, मुझे फर्स्ट टाइम देखते के साथ ये पसंद आ गया। इसके रेंज के अकॉर्डिंग ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इसका स्लीव भी जो है वो फुल दिया हुआ है, जैसे अभी गर्मियां आ रही हैं, और विदाउट अगर आप फुल स्लीव्स के जाओ तो आपके हैंड टैन हो जाते हैं। तो ये आपको समर में स्टाइलिश लुक भी देगा, और ज़्यादा आपको पहनने पे ऐसा हैवी फील भी नहीं होगा। तो मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया, और यहाँ पर आपको वेस्ट के साइड ऐसा एक बेल्ट भी मिल जाता है बांधने को, जिससे आपकी एक ओवरऑल फिटिंग और अच्छी लगती है। और नीचे का फ्लेयर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर सा दिया हुआ है। तो मुझे ये ड्रेस काफ़ी पसंद आया, आपको कैसा लगा अभी अपना व्यू ज़रूर दीजिएगा, आपको ये कैसा लगा। तो चलिए अब चलते हैं थर्ड ड्रेस देखने, और वो कैसा है चलिए देखते हैं। तो ये रहा मेरा ब्लैक का सुंदर सा जंपसूट, और ये मेरा नेक्स्ट ड्रेस एक जंपसूट है। ये देखिए ये कितना सुंदर पार्टी वियर और वी नेक डिजाइन में इसका बैक भी है और फ्रंट भी है, और यहाँ पर बैक में एक स्ट्रिप भी दिया हुआ है, जिसके कारण ये मुझे काफ़ी सुंदर लगा। और आपको एक अच्छा फिटिंग देने के लिए यहाँ पर ऐसा रिबन भी दिया हुआ है। तो ये है ओवरऑल इस ड्रेस का लुक, और इसका फैब्रिक थोड़ा सा पार्टी वियर है। अगर मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखलाऊं तो इसका फैब्रिक कुछ ऐसा है। और ये ड्रेस भी मुझे काफ़ी पसंद आया एक बार में ही, जिसके कारण मैंने ये लिया। और जंपसूट ऐसे मैं मुझे काफ़ी पसंद आता है, और यहाँ पर आप एक रबर भी दिया हुआ है, जिसके कारण आपका फिटिंग और भी अच्छा आता है।
तो ओवरऑल ये ड्रेस भी मुझे काफी पसंद आया। ये है मेरा नेक्स्ट ड्रेस और मुझे ब्लू कलर हमेशा से ही मेरा फेवरेट रहा है और मुझे ये ब्लू कलर पर ये थ्रेड का वर्क काफी उभर कर आ रहा था, जिसके कारण मुझे ये काफी अच्छा लग रहा था। और ये चूंकि आपका कॉटन का है तो मुझे ये काफी पसंद आ रहा था। अच्छा सा एक पॉकेट भी दे दिया है जिसके कारण इसका थोड़ा सा मुझे डिजाइन और भी पसंद आया, क्योंकि आजकल कुछ भी हो ये पॉकेट वाले ड्रेस काफी यूजफुल लगते हैं, जिसके कारण मुझे आजकल ये पॉकेट वाले ड्रेस काफी पसंद आ रहे हैं। और स्पेशली इस ड्रेस में दोनों साइड दिया हुआ है, जबकि कुर्ती वगैरह में एक साइड ही देते हैं। और ये ड्रेस भी जो है आपका एक लॉन्ग ड्रेस है, नीचे से इसका भी फ्लेयर काफी अच्छा है और स्पेशली ये थ्रेड वर्क के कारण ये जो आपका ड्रेस है वो काफी लॉन्ग वे में जाने वाला है। और कॉटन तो गर्मियों के लिए हमेशा से अच्छे होते हैं। ये इसका बैक और ये इसका फ्रंट, मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ। तो इसका नेक का जो डिजाइन है वो इस तरह है। तो ये है आज का मेरा एक और लॉन्ग सा प्यारा सा ड्रेस। इसका कलर देखिए कितना प्यारा लग रहा है। एक्चुअली मेरे पास हर कलर के काफी सारे ड्रेस हैं, पर कॉफी कलर थोड़े से कम है। और जब इसमें व्हाइट थ्रेड जब डार्क कलर में किया हुआ हो तो वर्क काफी उभर कर आ रहा था। और इसका स्लीव भी देखिए ये काफी थोड़ा मुझे अलग सा लगा, जिसके कारण मैंने इसे बाय किया। और इसका नीचे का फ्लेयर भी काफी अच्छा है। तो ओवरऑल मुझे ये समर के लिए भी काफी अच्छा लग रहा था, जिसके कारण मैंने इसे बाय किया। तो वहां पे मेरे को इसके रेंज के अकॉर्डिंग सारा ड्रेस काफी पसंद आ रहा था। इस बार मुझे हर बार ऐसे पसंद नहीं आते, लेकिन इस बार मुझे मैक्स के मैक्सिमम ड्रेस पसंद आ जा रहे थे। और देखिए ये अम्ब्रेला वाले में आजकल मैक्स में दोनों साइड पॉकेट मिल जा रहा है, जो कि मुझे लगता है कि गर्ल्स के लिए भी पॉकेट काफी यूजफुल हो जाता है। तो मुझे तो काफी पसंद आते हैं ये पॉकेट वाले ड्रेस, जिसके कारण मुझे ये ओवरऑल काफी पसंद आया। Thank you.
बाकी ब्लॉग की तरह ये ब्लॉग भी आपको जरूर से पसंद आया होगा। और ये ब्लॉग में स्पेशली सिर्फ ड्रेस की ही रखने वाली थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में आपको नहीं दिखाई हूँ। उस दिन मैंने शॉपिंग की थी, जैसे फुटवेयर की, कुछ विंटर्स की जो कि सेल पे चल रहे थे, और कुछ पर्स की भी। पर एक वीडियो में सारी चीज़ें दिखला पाना वो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए ये वीडियो मैंने सिर्फ स्पेशली ड्रेस पे ही बनाया है। और ड्रेस में भी मैंने और सारी चीज़ें ली थी, किड्स के भी, कुछ घर के भी, तो वो सारी चीज़ें भी मैंने नहीं दिखाई, जो मुझे काफ़ी जो मैंने अपनी ली थी वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर की हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ जल्दी से आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।